उदाहरण 9, 1000 रुपए का 9 माह का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। उदाहरण 9, हल। प्रश्न में हमें ब्याज की गणना तिमाही करने के लिए कहा गया है, तिमाही है, इसलिए जब हम बात करेंगे कि उसके समय कितना होगा, तो समय n बराबर, यहां कहा गया है कि समय जो है वह 9 माह है, तो 9 माह में हम यदि तिमाही की गणना करें तो हमारे पास 3 तिमाही होंगे, 9/3 बराबर 3 तिमाही। अब यदि हम दर की बात करें तो दर r बराबर कितना होगा, दिया गया है प्रश्न में 8% वार्षिक, 8% वार्षिक, लेकिन क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं इसलिए दर जो है वो 1/4 हो जाएगी, 8 का 1/4 यानी कि 8/4% तिमाही, और हमें मिलेगा इसका मान 2% तिमाही। मूलधन P कितना होगा, प्रश्न में दिया गया है मूलधन P बराबर 1000 रुपए। अब हम मिश्र धन की गणना कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि मिश्र धन A बराबर मूलधन P गुणित 1 धन R/100 पूरे की घात N, सभी का मान रख लें तो मिश्र धन A बराबर P मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 1000 रुपए, 1 धन R का मान तिमाही गणना के कारण हमने उसका मान निकाला है 2% तिमाही, इसलिए 2/100, और समय जो है वो 3 तिमाही, इसलिए N का मान होगा 3। आगे हल करते हैं 1000 रुपए, और इसे हल करने पर हमें कितना मिलेगा, 2 के पहाड़े से यदि हम काटें तो ये मिलेगा हमें 1/50, 1 धन 1/50 पूरे की घात 3। आगे हल कर लें तो 1000 रुपए और 1 धन 1/50 को हम लिखेंगे 51/50 पूरे की घात 3। पुनः आगे हल करें, 1000 गुणित 51/50 गुणित 51/50 गुणित 51/50, इसे आगे हल करें तो हमें मिलेगा 50 से, यदि हम 50 के पहाड़े से इसे हल करें तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये 0। इसके बाद हम हल करें इसे तो हमें मिलेगा 10 के पहाड़े से हल कर लें, 10 पंचे 50, 10 दूनी 20, और इसके पश्चात 2 गुणित 51 गुणित 51 गुणित 51, चलिए आगे हल कर लेते हैं, और 2 के पहाड़े से यदि हम इसे हल करें तो 2 एकम 2, और यहाँ पर यह हल हो जाएगा 25 बार 2 के पहाड़े से। अब हम इसे सरलतम रूप में लिखेंगे, 51 गुणित 51 गुणित 51 बटे हर में हमें प्राप्त होगा 5 गुणित 25। इस पूरे को हल करके हमें मिलेगा 132,651/125। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1061.20 रुपये। आगे हल करते हैं, हमें मिश्र धन बराबर प्राप्त हुआ है, मिश्र धन A बराबर 1061.20 रुपये, इसलिए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, तो इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन का मान 1061.20, ऋण मूलधन है हमारे पास 1000 रुपये, तो हमें प्राप्त होगा 61.20
2,0 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।